इसमें दो सर्किट है, आप देख सकते हैं सामने चार ड्रायर लगे हुए हैं, इसमें से एक सर्किट चालू है और एक सर्किट बंद है। ये हमारा नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड है जो एक गेज है। ऊपर का जो ये गेज है, ये दोनों, एक हाई प्रेशर गेज है एक लो प्रेशर गेज है, ये दोनों गेज चालू है। जो हमारा चिलर एक कंप्रेसर जो चालू है वो एक चीड हो रहा है, मतलब वो चालू है करके। दूसरा जो सर्किट है वो उसमें हमारा एवापोरेटर में लीकेज था, इसको हम लोग ने एवापोरेटर लीकेज बनाने के लिए निकाल के रखे हैं। उसमें जो है दो जगह से लीक था, उसको हम लोग ने लीक बंद कर दिया है। अभी ये हमारा नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड है, इसमें से हम लोग ने 250 प्रेशर डाला था, लेकिन अभी वो कम हो गया है कि हमारा लीक हम लोग ने टेस्टिंग किया है, तो हम लोग चेक किए किधर लीक है करके। तो अभी हम लोग देखते हैं किधर लीक है। यहाँ से आएंगे, ड्रायर के आगे एक सोलेनोइड वाल लगा हुआ है, ये हमारा सोलेनोइड वाल है और ये हमारा यहाँ पे लीकेज है, ये आप देख सकते हैं। जो सोलेनोइड वाल है उसके एकदम नीचे साइड में लीक है, जो कि बनना पॉसिबल नहीं है, बनना पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत बारीकी लीक है। उसकी वजह से हमारा 250 जो हम लोगों ने प्रेशर डाला था उसमें से ड्रॉप हो गया है, जो अभी 220 या 225 के करीब आ गया है। तो हम लोग ने एक्सपेंशन वॉल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेंशन वॉल के पीछे एक वाल लगा होता है, ताकि हम वाल से हम लोग नाइट्रोजन को बंद कर देते हैं और एक्सपेंशन वाल के पाइपलाइन में, जो हमारा एक्सपेंशन वाल के लाइन में जो हमारा नाइट्रोजन प्रेशर है वो पूरा हम लोग उड़ा देते हैं। ये देख सकते हैं लीकेज है, हम लेके चलते हैं आपको वाल की तरफ। जो हमारा एक्सपेंशन वाल से पहले हमारा एक और वाल होता है जो हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ड्रायर के भी पहले होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वाल है जो हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अगर हम उसको क्लोज कर देंगे तो हमारा जो आगे का वाल के आगे का जो ड्रायर की तरफ का पाइप है उसका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और जो सेल की तरफ कंडेंसर सेल है उसकी तरफ का नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो हम लोग ने इसको वाल को बंद कर दिया ताकि वो जो नाइट्रोजन टेस्टिंग है वो हमारा उतने पे रहे, और वो नाइट्रोजन हम अभी बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अभी हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या और कहीं पे लीकेज निकलता है या प्रेशर ड्रॉप होता है। अभी वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, जो एक ड्रॉप हो रहा था वो हम लोगों को मिल गया है। अभी हम लोग उसको एक्सपेंशन वॉल को निकाल लेंगे और न्यू एक्सपेंशन वॉल लगाएंगे कॉइल के साथ में। ये आप देख सकते हैं पूरा एक्सपेंशन वॉल है, इसको हम एल एन की से एक बार खोल के देख लेते हैं कि गाइस एल एन की से खोलते हैं, प्रेशर तो हम लोग ने उड़ा दिया है, एक बार एल एन की से खोल के देखते हैं कि अंदर, इसके अंदर रबड़ भी होते हैं और गैसकेट भी होता है, एक गैसकेट नहीं एक रबड़ ही होता है, वही गैसकेट होता है। अभी हम लोग ने एल एन की लूज़ किया है जिसमें से ये प्रेशर देखिए निकल रहा है, अभी थोड़ा बहुत प्रेशर पाइप में रह गया है, जो कि क्योंकि वाल जो होता है वो कॉयल नहीं लगा रहता है तो वो वाल को बंद कर देता है एक्सपेंशन वाल। तो आपका दो भाग में प्रेशर है, जो आगे का निकल गया तो पीछे का प्रेशर अभी भी उतना है, तो वो निकलने के लिए हम वेट करेंगे थोड़ा, एक 30 सेकेंड तक वेट करेंगे, हमारा प्रेशर निकल जाएगा। ये अभी भी हमारा प्रेशर निकल रहा है, अभी देख सकते हैं हमारा प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे चार एल एन की आप देख सकते हैं लगा हुआ है, हम उसको खोल लेंगे और खोल के देखते हैं उसके अंदर का क्या गैसकेट रहता है, रबड़ रहता है, कैसे काम करता है, हम आपको बताएंगे। लेकिन खोल के हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि लीकेज क्यों है, कहां से है, खाली ये देखने के लिए हम लोग खोल रहे हैं। बाकी अगर एक्सपेंशन वाल आपको अगर ऐसा लीक होता है तो आप सीधा चेंज कर दें, क्योंकि अगर उसको बनाएंगे बाद में काम करेगा नहीं करेगा, फिर आपका गैस वेस्टेज जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसको खोल के देखते हैं के अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा, हमने एक्सपेंशन वाल को खोल दिया है, ये हमारा रबड़ है जिसके ऊपर हम लोग एल एन की जो टाइट करते हैं, ये रबड़ के ऊपर ही हमारा गैस पूरा फिक्स रहता है, जो हमारा लीक नहीं करता है साइड से।
ये हमारा ऊपर का कवर है और ये हमारा सोलेनोइड वाल्व के अंदर एक पेंडुलम है जिसके अंदर स्प्रिंग भी रहता है। अभी इसमें है कि नहीं है लेकिन रहना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर स्प्रिंग भी है। उसी को क्वायल जो है उसकी इसी पेंडुलम को ओपन और क्लोज करता है, वाल्व को क्लोज और बंद करता है, क्लोज और ओपन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज है और पीछे से ये जो ये पाइप लगा हुआ है स्टील कलर का जो दिख रहा है वो खाली उसमें ब्रिजिंग किया हुआ है, लेकिन वो लीकेज है वो बनाना मुश्किल ही है। ये देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद देखते हैं अंदर क्या है। ये जाली लगी हुई है और अंदर का पाइप जो कि जो इससे पहले हम लोगों ने कवर निकाला था वही ऊपर नीचे ऐसा वाल को क्लोज और ओपन करता है। आप देख सकते हैं पूरा हमने खोल दिया है, अंदर की चीज़ें खोल के आप लोगों को दिखाया है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम क्या करेंगे, हम उस सोलेनोइड वाल्व को हम निकालेंगे। वो निकालने के लिए दोस्तों हमको ऑक्सीजन और एलपीजी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे जगहों पे एलपीजी अलाउड नहीं रहता है तो हम उसके जगह पे डीए बाटला लगाते हैं। या ऑक्सीजन हम लोग ने बत्ती हम लोगों ने लगा दिया है। अभी चलते हैं चिलर पे और यहाँ पर हम एक दोस्तों 40 टन का चिलर है, इसमें से एक सर्किट चालू है और दूसरा सर्किट नहीं चालू है। 20 टन का एक सर्किट चालू है, एक सर्किट नहीं चालू है, उसी को हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों अगर कुछ भी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम डालेंगे तो आप तक पहुंचते रहेगा। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने सोलेनोइड वाल्व निकाल दिया है, ब्रिजिंग करके हम लोगों ने सोलेनोइड वाल्व निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, सोलेनोइड वाल्व हम लोगों ने निकाल दिया है। हम लोगों ने इसलिए एलन की खोल दिया ताकि उसमें कुछ डाउट ना रहे कि अंदर प्रेशर है या नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए एलन की पूरा ओपन कर दिया है।